नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा तमंग। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। विश्व के कई देशों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए की उच्च स्तरीय बैठक। संसद में कोविड प्रबंधन पर अपने बयान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, नए वेरियंट के जोखिम को कम करने के लिए उठाए जा रहे जरूरी कदम। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में एपीपीएससी की एई सिविल परीक्षा पेपर लीक मामले का स्पीडी ट्रायल कराने के लिए हाईकोर्ट से आग्रह करने का हुआ फैसला। मामले में आरोपित सभी सरकारी कर्मियों के खिलाफ तेज होगी विभागीय जांच। नॉर्थ ईस्ट एमपीज फोरम के अध्यक्ष केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के संसदों के साथ विभिन्न योजनाओं की प्रगति के विषय पर की बैठक। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करने और योजनाओं का लाभ लोगों को सुनिश्चित करने के विषय में हुई चर्चा। विश्व के कई देशों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में देश कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, नीति आयोग में स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इधर लोकसभा और राज्यसभा में देश में कोरोना की स्थिति पर बयान देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नए वेरिएंट के आने से जोखिम को कम करने के लिए सभी विदेशी यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य को सलाह दी जा रही है कि वे कोविड-19 के नए वेरिएंट की समय पर पहचान करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू चेयरमैन सर, जो मैंने स्टेटमेंट दिया उसके पर क्लेरिफिकेशन पूछते हुए हमारे चड्डा जी ने कहा कि जो चाइना में जिस तरह से मीडिया न्यूज बन रही है और जिस तरह से वहाँ बीमारी फैल रही है, उसको देखते हुए चाइना से जो भी फ्लाइट आती है उसको टेस्टिंग करना चाहिए। माननीय चेयरमैन सर, हम इस विषय पर बहुत जागरूकता से काम कर रहे हैं। नहीं केवल चाइना से हिंदुस्तान में डायरेक्ट फ्लाइट तो आज के दिन में नहीं आती है, लेकिन वाया होके आती है। लेकिन जैसा दुनिया में केस बढ़ने लगा, हमें बेस्ट कोविड मैनेजमेंट का भी एक अनुभव रहा पिछले 2 साल से, और कोविड के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए सारी दुनिया के साथ लगातार मैं एज ए हेल्थ मिनिस्टर बात कर रहा हूँ, WHO से बात कर रहा हूँ, तो उससे पता चलता है कि कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहा है कोविड क्राइसिस। उसको देखते हुए जो भी प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है वो लेना हमने ऑलरेडी चालू कर दिया है। आज प्राइमरी स्टेज पर कोई भी यहाँ पेशेंट, यहाँ ट्रैवलर आते हैं, नहीं केवल चाइना, कहाँ से भी आते हो, तो भी हम 2% रैंडम सैम्पलिंग करना चालू ऑलरेडी कर दिया है, और आने वाले दिनों में उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा के आवश्यकता के अनुसार कंपलसरी करना पड़े तो भी कंपलसरी करेंगे। दोनों चीज़ को हमें देखना है, देश में कोई अननोन वायरस घुस भी ना जाए और ट्रैवलिंग में बाधा भी ना हो, दोनों चीज़ों को देखते हुए हम उस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि देश में कोई नया वेरिएंट ना आ जाए। देश में सभी अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन का भी हमने रिव्यू कर लिया है, मेडिसिन प्रोडक्शन का भी हमने रिव्यू कर लिया है। आज दुनिया में मेडिसिन की क्राइसिस होने लगी है, तो हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करने वाले लोग हैं। हम तो हमारे घर के द्वार पर लाभ शुभ लिखते हैं, हम केवल लाभ की बात करने वाले लोग नहीं हैं। जब लास्ट दुनिया में मेडिसिन की क्राइसिस हुई थी तब प्रधानमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया था कि नहीं केवल भारत की रिक्वायरमेंट को पूरी करना है लेकिन दुनिया को भी मदद करना है। कहने का मतलब यह है कि कोविड
के सामने लड़ने के लिए पूरी तैयारी हमने की है, लेकिन भी ये वायरस बार बार म्यूटेट होता रहता है, अपना स्वरूप बदलता रहता है। हम सब लोगों की जिम्मेवारी, हम नहीं कहते कि हमने ही सब कुछ कर दिया, हम कहते हैं कि सब लोगों ने साथ में मिलकर किया है, और आने वाले दिनों में भी एक क्राइसिस आगे बढ़े तो सारा देश एक होके फर्स्ट और सेकंड वेव का जैसा सामना किया है वैसा सामना कर सके, इसलिए पूरी तैयारी भारत की सरकार की ओर से हमने कर लिया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग एबीपीएससी की एई सिविल परीक्षा पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट से एक विशेष अदालत में स्पीडी ट्रायल कराने का आग्रह करने, इस मामले में आरोपित सभी सरकारी कर्मियों के खिलाफ तेजी से विभागीय जाँच करने, एबीपीएससी की शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए सख्त गाइडलाइंस बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि एपीपीएससी पेपर लीक मामले की जांच में दोषी पाए जाने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। कैबिनेट की बैठक में एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च ग्रुप के गठन करने का निर्णय लिया गया। यह समूह विभिन्न विभागों और जिला उपायुक्तों को बेकाम पड़े हुए कर्मियों की दूसरे जगह तैनाती, सरकारी कर्मियों के रीस्किलिंग का आकलन, समाप्त किए जाने वाले पदों की पहचान, प्रशासनिक सुधार करने सहित अन्य विषयों और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिले के कार्यालयों के लिए स्टाफिंग नॉर्म्स पर अपना सुझाव देगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च ग्रुप सभी जिला मुख्यालय में 4 से 5 दिन तक सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श कर सरकार को अपनी सिफारिश सौंपेंगे। राज्यसभा में आज सांसद पवित्र मार्गरिटा, बिप्लव कुमार देव और वीरेंद्र कुमार बैश्य ने पूर्वोत्तर राज्य की योजनाओं के लिए नॉर्थ ईस्ट काउंसिल द्वारा आवंटित की जाने वाली धनराशि और योजनाओं की निगरानी का मुद्दा उठाया। सांसद वीरेंद्र कुमार बैश्य ने खेल क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के लिए NEC द्वारा दी जाने वाली सहायता के बारे में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री से स्पष्ट करने को कहा। अपने जवाब में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों के विकास योजनाओं की जियो टैगिंग की जा रही है और खेल सुविधाओं के विकास के लिए खेल मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली धनराशि के बाद गैप फंडिंग NEC द्वारा की जाती है। डोनर का जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को देते हैं, कुछ NGOs को भी देते हैं। अभी पहले तो जिस प्रोजेक्ट्स को हम सैंक्शन करते थे प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं होता था, अभी हम प्रयास कर रहे जियो टैगिंग के साथ जो प्रोजेक्ट्स जितना काम हो रहे उसका रिपोर्ट लेना, ठीक तरीके से प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन करना, वो भारत सरकार के द्वारा लगातार अभी हर स्टेट कैपिटल में भी हमारा डोनर मिनिस्ट्री का NEC का ऑफिसर्स भी खोले हैं। अभी पहले नहीं थे, हमारा स्टाफ, हमारा जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर लेवल ऑफिसर भी रेगुलर जाते हैं, स्पॉट में देखते हैं, प्रोजेक्ट का रिपोर्ट देते हैं और रेगुलर प्रॉपर मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो जितने भी NEC का बजट होते हैं उसमें 30% चेयरमैन सर हम जो बैकवर्ड एरियाज के लिए एलोकेट करते हैं, जो बचे 70% में उसमें 60% स्टेट्स को देते हैं, उसमें सही बात है त्रिपुरा को 12% एलोकेशन करते हैं एज पर पॉपुलेशन, जरूर 12% पॉपुलेशन के हिसाब से त्रिपुरा को मिलता है। जो स्टेट गवर्नमेंट जितना प्रोएक्टिव रहते हैं, हमारा प्रोजेक्ट जितने भी देते हैं प्रोएक्टिव कंप्लीट करना चाहिए, नए प्रोजेक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोजल होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन भी पूरा स्टेट गवर्नमेंट ही करना है, और जो बच्चे सो और थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो बड़ा प्रोजेक्ट से लेने के लिए हम प्रयास करते हैं। हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ना त्रिपुरा हो ना अरुणाचल प्रदेश हो, पूरा तरीके से नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट करने के लिए भारत सरकार पूरा कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। सर, हमारा अध्यक्ष चेयरमैन जी, हमारा NEC के द्वारा हो, डोनर के द्वारा हो, स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो गैप फंडिंग होते हैं स्टेडियम्स के लिए अलग अलग जगह हम दे रहे हैं, मेन मैं बताना चाहता हूँ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इसका मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, जो गैप फंडिंग होना चाहिए हम जरूर स्पोर्ट्स में देते हैं। उनका आंसर में भी अध्यक्ष जी, भारत सरकार आज़ाद के बाद
पहली बार एक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में स्थापित किया गया, पहला नहीं थे। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भारत सरकार को मोदी जी को मालूम है नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स अच्छा एंकरेजमेंट देने के लिए हम काम कर रहे, उसका रिजल्ट भी अब 2-3 साल से नॉर्थ ईस्ट में दिख रहे। जरूर आने वाले दिन में भारत सरकार के द्वारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर एनईसी के द्वारा हो, डोनर के मिनिस्ट्री के द्वारा हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा हो, जरूर स्पोर्ट्स के लिए हमारा एजेंडा में नंबर वन है नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स में, जरूर नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स के विकास में हम काम करेंगे। नॉर्थ ईस्ट एमपीज फोरम के अध्यक्ष केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने पूर्वोत्तर के 8 राज्य के संसदों के साथ विभिन्न योजनाओं की प्रगति के विषय पर बैठक की। बैठक में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने और पारदर्शिता के साथ कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को सुनिश्चित करने के विषय में भी चर्चा की गई। दिबांग वैली जिले के अनिनी में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवी दिबांग वैली के साथ साथ लोअर दिबांग वैली और अंजाव जिले के बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा मुहैया करा रहा है। इस विद्यालय में 214 छात्र हैं, जिसमें अंजाव के 53 छात्र कक्षा 11 और 12 में अध्ययन कर रहे हैं। अंजाव जेएनवी में कक्षा 10 तक ही छात्रों की पढ़ाई की सुविधा है और इसी कारण कक्षा 11 और 12 की पढ़ाई उन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय अनिनी सहित राज्य के दूसरे जवाहर नवोदय विद्यालय में करना पड़ता है। इस विद्यालय में दिबांग वैली जिले के सभी गांवों के बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। इटालियन विलेज की रहने वाली जेएनवी की कक्षा 12 की छात्रा मिलाडू मिली ने केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सुदूर और सीमावर्ती गांवों के बच्चों को निशुल्क आवासीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलने से गरीब परिवारों के बच्चों का सशक्तिकरण सुनिश्चित हो रहा है। इस विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक विनोद कुमार चौधरी ने बताया कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए विभिन्न विषयों के शिक्षा के साथ ही संगीत, कला, खेलकूद और शैक्षणिक प्रबंध को प्राथमिकता दी जाती है। मुझे यहाँ में एडमिशन मिला सर, उसके बाद बहुत तरह के फैसिलिटीज़ मिलते हैं सर। इधर में हम लोग को एक्स्ट्रा से सामान बाहर से लाना नहीं पड़ता है सर, यहाँ में सब चीज़ मिलते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म मिल जाता है, शूज मिलता है, डेली यूज आइटम जैसे कि ब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, ये सब प्रोवाइड किया जाता है। ऊपर से 3 टाइम मील तो अवेलेबल है सर, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती सर। लेबोरेटरी का तो इतना आइडिया नहीं है, पर सर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ये सब में हर चीज़ में प्रोवाइड किया जाता है हम लोगों को, फुटबॉल से लेके खो खो, बास्केटबॉल, एवरीथिंग यहाँ में सब चीज़ प्रोवाइड किया जाता है सर। मोस्टली ये ट्रैवल एरियाज में ज़्यादातर स्टूडेंट्स लोग पढ़ना चाहते हैं पर नहीं पढ़ पाते बिकॉज फैमिली बैकग्राउंड के कारण। सो हम ये चाहते हैं कि आप लोग JNDST एग्ज़ाम दीजिए, आप लोगों को अगर आइडिया नहीं है तो जो जो JNDST में पढ़ रहे हैं बच्चे वो लोग से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए कि कौन से मंथ में JNDST का एग्ज़ाम होता है ये सब, और क्लास 6 और 9 से भी आप लोग JNDST का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो आप लोग इन्फॉर्मेशन ले लीजिए हम लोग से। हम लोग अपने तरफ से जो है बच्चों को यहाँ पे सभी विषय के पढ़ाई होती है, 10th तक तो यहाँ पे सभी विषय की पढ़ाई होती है, लेकिन 11th और 12th में चूँकि यहाँ पे आर्ट्स हैं, ह्यूमनिटीज़ हैं, साइंस तो है नहीं, फिर भी यहाँ पे हम लोग जहाँ तक भी हो सकता है उन बच्चों को मनोरंजन से लेकर के और जो शिक्षा की जो भी है। ईटानगर के पी सेक्टर गवर्नमेंट स्कूल में आज सेवा आपके द्वार शिविर लगाया गया। इस शिविर में केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया और उन्हें मौके पर ही लाभ प्रदान किया। इस शिविर में स्वास्थ्य जाँच के साथ ही पुलिस विभाग द्वारा लोगों को विभिन्न हेल्पलाइन और साइबर क्राइम से सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। पब्लिक को हम लोग ये अवेयरनेस कर रहे, खास करके हम लोग ये जो डायल 112 जो होते हैं, जो क्विक रिस्पॉन्स होता है पब्लिक के हेल्प के लिए, हम लोग जो
किया जाता है पुलिस का तरफ से, उसके लिए स्पेशली हम लोग अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं। एंड देन साथ में हम लोग जो है ई ऑफिस खुला जाता है, जिसका जो है लॉस सर्टिफिकेट मिलने के, लॉस मिसिंग सर्टिफिकेट जो होते हैं उसको मिलने किस तरह जरिए, किस जरिए से हम लोग को मिला जाता है उसी के बारे में थोड़ा अवेयरनेस करने के लिए। एंड देन ट्रैफिक में किस तरह हम लोग ट्रैफिक का रूल को किस तरह हम लोग फॉलो करना चाहिए, किस तरह नहीं करते उसको हम लोग समझाने के लिए, क्या उसका आपका ऊपर में फाइन होता है, सेक्शन होता है आपका अगेंस्ट में। लोअर दिबांग वैली जिले में सुशासन सप्ताह के तहत प्रशासन गांव की ओर शिविर में लोगों को सरकार की विभिन्न सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। जिला उपायुक्त सभागार रोइंग में आयोजित सुशासन सप्ताह कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी विभाग के रिटायर्ड कमिश्नर बिलाती पाटिल ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ डोर स्टेप पर प्रदान करने के लिए गांव-गांव में लगाए जा रहे सेवा आपके द्वार शिविर की सराहना की। उन्होंने जिला प्रशासन से टाउनशिप रोड की मरम्मत, जल निकासी व्यवस्था और यातायात प्रबंधन पर अधिक ध्यान देने का आग्रह किया। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के बारे में विस्तृत जानकारी से संबंधित एक वेबसाइट लॉन्च की गई। इस कार्यक्रम में जिला उपायुक्त सौम्या सौरभ, ADC ममता यादव, जिला कार्यक्रम अधिकारी मार्तो दिर्जी काबांग अपुंग सहित कई अधिकारी मौजूद थे। And this is a good initiative, and I find extremely worth sharing with you that this, because of good governance, this office infrastructure has also come up. चांगलांग जिले के सुदूर रांगलूम विलेज में सुशासन सप्ताह के तहत सेवा आपके द्वार शिविर लगाया गया। डोर स्टेप पर गांव के लोगों को सरकार की सभी सेवाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए लगाए गए इस शिविर में बड़ी संख्या में आसपास के गांव के लोगों ने योजनाओं का लाभ उठाया। प्रशासन गांव की ओर मुहिम के तहत रांगलूम विलेज में लगाए गए हॉस्पिटल आपके द्वार शिविर में चिकित्सकों के लोगों के दांत और आंख की जांच के साथ ही ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ECG, RI, NCD स्क्रीनिंग किया। इस शिविर में लोगों के स्वास्थ्य की जांच के बाद निशुल्क जरूरी मेडिसिन दिया गया। अरुणाचल प्रदेश के योजना और निवेश आयुक्त प्रशांत लोखंडे ने अपर सियांग जिले के यिंग्योंग के पास गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पारसिंग में अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस केंद्र के स्थापना से बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के साथ ही उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। देश में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इसे महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के सम्मान में मनाया जाता है। रामानुजन ने गणित के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए भारत सरकार ने उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की घोषणा की थी। इरोड में हुआ, वे महान भारतीय गणितज्ञ थे। उनका नाम आधुनिक काल के महानतम गणितज्ञों में शामिल है। उन्होंने महज 32 साल के जीवन काल में पूरी दुनिया को गणित के अनेक सूत्र और सिद्धांत दिए। हाल ही में उनके सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयोग किया गया। उनकी जयंती पर हर वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।